व्यूअर्स, अब हम यहाँ दूसरी प्लेकेट को अटैच करेंगे इस तरह से। व्यूअर्स अब हम यहाँ सिलाई तक कट लगाएंगे। अब हम प्लेकेट को इस तरह से इसके ऊपर टर्न करेंगे और यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। अब हम यहाँ से कपड़े को अंदर की तरफ टर्न करेंगे। व्यूअर्स ब्लैकेट अटैच करने के बाद अब हम यहाँ इनर स्लीव की सिलाई लगाएंगे। व्यूअर्स अब हम स्लीव्स के लिए कफ को रेडी करेंगे। तो कफ के लिए हमने कफ पट्टी को टर्न करके यहाँ सेंटर से इसको कट कर लिया है। अब हम एक साइड से इसके कॉर्नर को इस तरह से कट करके गोल शेप देंगे। तो आप किसी भी पेन से इसको इस तरह से गोल शेप दे के यहाँ से कट कर सकते हैं। इसी तरह से हम दूसरी साइड को भी कट करेंगे। यूज़ हमने इन कॉर्नर्स को कट किया है, आप चाहें तो इन्हें स्ट्रेट भी रख सकते हैं। व्यूअर्स अब हम इस कपड़े को खोलेंगे और इस कफ पट्टी के जिस साइड के किनारों को हमने गोल शेप दी है इसको यहाँ सेंटर में रखते हुए यहाँ हम इसको इस्त्री से चिपकाएंगे। व्यूअर्स अब हम यहाँ इजाफी कपड़े को इस तरह से टर्न करेंगे। व्यूअर्स हमने एक साइड से कपड़े को इस तरह से टर्न किया है और इस तरह से फोल्ड करने के बाद दूसरी साइड से हम क्वार्टर इंच का मार्जिन रखने के बाद इजाफी कपड़े को कट कर देंगे। तो अब हम कफ को सिलाई करेंगे। व्यूअर्स जिस साइड पे हमने कपड़े को टर्न किया था यहाँ पे हम इसको टर्न करते हुए एक पैर के मार्जिन से यहाँ ऊपर की तरफ सिलाई लगाएंगे। व्यूअर्स यहाँ हमने कफ के ऊपर एक पैर के मार्जिन से यहाँ पे सिलाई लगा ली है। अब हम यहाँ इसको इस तरह से टर्न करेंगे और यहाँ कॉर्नर को सिलाई करेंगे दोनों साइड्स में। व्यूअर्स हमारे कफ की लंबाई 10 इंच है और इसकी चौड़ाई 2.5 इंच है, यानी कि 2.5 इंच। तो अब हम यहाँ इसके कॉर्नर को सिलाई करेंगे। व्यूअर्स अब हम यहाँ डबल सिलाई लगाएंगे। व्यूअर्स अब हम यहाँ इजाफी कपड़े को कट करके इसको टर्न करेंगे। अब हम इसको पलटेंगे। व्यूअर्स अब हम इसको प्रेस करेंगे। व्यूअर्स हमने कप को प्रेस कर लिया है। अब हम यहाँ स्लीव को कलाई वाली साइड से यहाँ से कपड़े को सेंटर की तरफ इस तरह से टर्न करेंगे और यहाँ पे हल्का सा प्लीट देंगे और यहाँ पे पिन लगाएंगे। अब हम इसको इस तरह से टर्न करेंगे। अब हमें ये देखना है कि हमारा ये कफ हमारी इस कलाई की फिटिंग के बराबर है, तो हम इसको इस तरह से नाप के देखेंगे। तो हमारा ये कफ कलाई की इस फिटिंग के बिल्कुल बराबर है, तो अब हम इसको सिलाई करेंगे। व्यूअर्स ये हमारे स्लीव की सीधी साइड है, तो पहले हम कफ को पकड़ के इस तरह से सीधी साइड की तरफ सिलाई लगाएंगे और बाद में इसको इस तरह से ऊपर की तरफ टर्न करने के बाद यहाँ ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे।
व्यूअर्स, अब हम यहाँ इस सिलाई को अंदर की तरफ टर्न करेंगे और बहुत एहतियात से यहाँ से कॉर्नर को सेट करते हुए यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। व्यूअर्स, अब हम यहाँ ऊपर की तरफ किनारे पे सिलाई लगाएंगे। व्यूअर्स, ये हमने एक कप को रेडी कर लिया है, अब हम दूसरे कप को अटैच करेंगे। व्यूअर्स, ये हमारे दूसरे स्लीव की सीधी साइड है, तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब हम सीधी साइड की तरफ इस सिलाई को अंदर की तरफ करते हुए यहाँ ऊपर सिलाई लगाएंगे। अब हम यहाँ से टर्न लेते हुए कफ के किनारे पे सिलाई लगाएंगे। व्यूअर्स, हमने दोनों स्लीव्स को रेडी कर लिया है, अब हम इनको कमीज़ के साथ अटैच करेंगे। व्यूअर्स, स्लीव को अटैच करने के लिए सबसे पहले हम कमीज़ को उल्टा करेंगे। इस तरह से इसको उल्टा करने के बाद हम यहाँ पे तीरे का सेंटर करके यहाँ पे ऊपर कट लगाएंगे और ये हमारे स्लीव की सीधी साइड है, हम इसको कमीज़ के अंदर इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे इनर स्लीव की सिलाई और कमीज़ की साइड सिलाई को मैच करते हुए यहाँ पे पिन लगाएंगे और इसी तरह से स्लीव का सेंटर और तीरे का सेंटर मैच करके यहाँ भी हम पिन लगाएंगे और अब हम यहाँ से सिलाई स्टार्ट करेंगे। व्यूअर्स, ये हमने एक स्लीव को अटैच कर लिया है, इसी तरह से हम दूसरे स्लीव को भी अटैच करेंगे। व्यूअर्स, हमने दोनों साइड में स्लीव को अटैच कर लिया है, अब हम यहाँ कॉलर अटैच करेंगे।